गुड इवनिंग क्लास, दिस इज़ डॉक्टर चेतना गुप्ता पसीने एंड अवर टुडेज टॉपिक इज़ फर्मेंटेशन। तो सबसे पहले फर्मेंटेशन का जो आप प्रैक्टिकल अप्रोच हम देखते हैं, इसके लिए हमको जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, जो हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हैं वाटर, ग्लूकोज, यीस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, फंजाई की एक स्पेसिस एंड फ्लोर, मतलब आटा। इक्विपमेंट हमको क्या क्या चाहिए? हमको चाहिए हीटर, ग्लास फ्लास्क और बलून्स। अब सबसे पहले फर्स्ट फ्लास्क हम प्रिपेयर करते हैं, जिसमें हम वाटर एंड यीस्ट को मिक्स करके रखते हैं। सेकंड फ्लास्क तैयार करते हैं, जिसमें हमारा वाटर, यीस्ट एंड ग्लूकोज को मिक्स करते हैं। थर्ड फ्लास्क लेते हैं, जिसमें वाटर, यीस्ट एंड ग्लूकोज को मिक्स करते हैं। थर्ड फ्लास्क को हम 3 मिनट के लिए हीटर पे बॉईल करते हैं, गर्म करते हैं और रखते हैं। फोर्थ फ्लास्क में हम वाटर एंड ग्लूकोज लेते हैं। फिफ्थ फ्लास्क में हम वाटर, यीस्ट एंड फ्लोर लेते हैं। इसके बाद में इन पांचों फ्लास्क में हम क्या कर देते हैं, बलून को लगाते हैं और इसे 24 आवर्स के लिए छोड़ देते हैं फर्मेंटेशन की प्रक्रिया को होने के लिए, कि कितने अमाउंट में फर्मेंटेशन के द्वारा गैस रिलीज होती है। इसके बाद में रिजल्ट आप देखेंगे, जिस फ्लास्क में, जो हमारा फर्स्ट फ्लास्क था जिसमें यीस्ट प्लस वाटर था, उसमें गैस रिलीज होने के कारण हमको बलून फुला हुआ दिखाई देता है। हमारा जो सेकंड फ्लास्क होता है आफ्टर 24 आवर्स ना, सेकंड फ्लास्क होता है जिसमें ग्लूकोज प्लस वाटर है, क्योंकि इसमें यीस्ट नहीं है तो बलून हमको फुला हुआ दिखाई नहीं देता, जिसके कारण इसमें कोई फर्मेंटेशन नहीं हुआ है और किसी भी तरह की कोई गैस रिलीज नहीं हुई है। जो हमारा थर्ड फ्लास्क है जिसमें यीस्ट प्लस ग्लूकोज प्लस वाटर था, उसका बलून भी हमको फुला हुआ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि यीस्ट के कारण फर्मेंटेशन की प्रक्रिया हुई है और क्या हुआ है यहाँ पर, CO2 गैस रिलीज हुआ है। फिर जो हमारा फोर्थ फ्लास्क था जिसमें यीस्ट प्लस ग्लूकोज प्लस वाटर था, अब आप बोलोगे कि इसमें यीस्ट था उसके बाद में भी फर्मेंटेशन क्यों नहीं हुआ? तो जब हमने बॉईल किया तो यीस्ट की जो फर्मेंटेड कैपेसिटी थी, जाइमेज एंजाइम के द्वारा जो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती, तो जो जाइमेज एंजाइम थे उनमें ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे फर्मेंटेशन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। और उसके बाद में जो हमारा फिफ्थ फ्लास्क था जिसमें यीस्ट प्लस फ्लोर प्लस वाटर था, इसमें फर्मेंटेशन होता है, बट फर्मेंटेशन की जो स्पीड होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि फ्लोर में कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी बहुत अधिक होती है और कार्बोहाइड्रेट के फर्मेंटेशन के लिए यीस्ट को अधिक टाइम की आवश्यकता होती है एज कंपेयर टू ग्लूकोज। ठीक है, इसके बाद में जैसे ही यहाँ पे आप देख रहे थे फ्लास्क में एक नॉब लगा था, आप नॉब खोलते हैं और क्या करते हैं, बलून आपका पूरा गैस रिलीज करके, बलून का पूरा गैस रिलीज हो जाता है और उसको आप क्या करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं। इसके बाद में आप पीएच मेजर करेंगे। पीएच मेजर करने के लिए आप पीएच स्ट्रिप का यूज़ कर सकते हैं। जब क्या होता है, बलून से गैस रिलीज होती है और जब हम वाटर में उस गैस को डिसॉल्व करते हैं तो हमारा जो वाटर होता है वो एसिडिक नेचर का हो जाता है, तो हम पीएच स्ट्रिप से जो एसिडिक नेचर है उसका, एसिडिक का जो पूरा पैरामीटर दिया होता है, तो किस लेवल तक वो एसिडिक हुआ है वो आप मेज़र कर सकते हैं। इसमें देख सकते हो आप, जो भी हम पीएच स्ट्रिप पे लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं उसमें कलर का चेंज होना जो होता है वो शो करता है एसिडिक नेचर को। यदि आप रेड लिटमस पेपर यूज़ कर रहे हो और वो ऑलवेज रेड रहता है, डैट मीन्स आपको सॉल्यूशन एसिडिक है। यदि आप ब्लू लिटमस पेपर यूज़ कर रहे हैं और उसका कलर रेड पे टर्न होता है, डैट मीन्स हमने जो बलून से CO2 गैस हमारा जो रिलीज हुआ है और जिसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया, डैट मीन्स हमारा जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक सॉल्यूशन है। इसके बाद में यहाँ पर रीज़न दिया हुआ है, जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया कि फर्स्ट फ्लास्क में यीस्ट प्लस वाटर था जिसके कारण इस पर फर्मेंटेशन हुआ, यीस्ट प्लस वाटर था जिसके कारण यहाँ पे फर्मेंटेशन ही, अब वाटर्स में ग्लूकोज का फॉर्मेशन तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे फर्मेंटेशन की प्रक्रिया जो है वो नहीं होती है और CO2 का प्रोडक्शन नहीं होता है। जो हमारा सेकंड फ्लास्क था जिसमें यीस्ट प्लस ग्लूकोज प्लस वाटर था, यीस्ट के प्रेजेंस होने के कारण फर्मेंटेशन होता है, CO2 गैस रिलीज होती है और बलून जो है वो फूल जाता है आफ्टर 24 आवर्स। जो हमारा थर्ड फ्लास्क था जिसमें यीस्ट प्लस ग्लूकोज प्लस वाटर था, जब हम बॉइल कर देते हैं तो बॉइल करने के कारण क्या होता है, यीस्ट की जो फर्मेंटेशन करने की कैपेसिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पे फर्मेंटेशन की प्रक्रिया नहीं होती है और CO2 गैस रिलीज नहीं होती है। फिर हमारा जो फोर्थ फ्लास्क था जिसमें हमारा ग्लूकोज प्लस वाटर
वाटर था, इसमें भी कोई भी फर्मेंटेशन की प्रक्रिया नहीं होती क्योंकि फर्मेंटिंग एजेंट यीस्ट यहाँ पर नहीं है। उसके बाद जो हमारा फिफ्थ फ्लास्क था जिसमें यीस्ट प्लस फ्लोर प्लस वाटर था, इसमें क्या होता है फर्मेंटेशन की प्रक्रिया जरूर होती है बट ये जो प्रक्रिया है वो बहुत धीरे धीरे होती है क्योंकि फ्लोर पे आटे में कार्बोहाइड्रेट कंसंट्रेशन या क्वांटिटी बहुत अधिक होती है और जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाले होते हैं, तो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया में उस कार्बोहाइड्रेट के फर्मेंटेड होने के लिए इसको काफ़ी समय लग जाता है, इसलिए इसमें फर्मेंटेशन की जो प्रक्रिया है वो बहुत धीरे धीरे होती है। एट लास्ट CO2 गैस रिलीज होता है और बलून फूल जाता है। अब ये जो हमारा पूरा फर्मेंटेशन का प्रैक्टिकल है वो किस प्रिंसिपल पे कार्य करता है, तो किस प्रिंसिपल पे करता है, यीस्ट जो होता है जो हमारा फर्मेंटिंग एजेंट होता है वो जाइमेज एंजाइम कंटेन करता है और ये जो जाइमेज एंजाइम है ये ग्लूकोज के कैटालिसिस के थ्रू ब्रेकडाउन के थ्रू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करता है। यहाँ पे आप रिएक्शन में देख लीजिए एक्वस ग्लूकोज है, जाइमेज एंजाइम जब आप इसमें यीस्ट मिलाते हैं तो इसमें प्रेजेंट जाइमेज एंजाइम के द्वारा इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब यदि जब आप वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को बलून से रिलीज करते हैं और वाटर में जब इसको हम डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है जो कि एक वीक एसिड है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करने के कारण बनता है। आप देखिए एक्वस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आयनिक वाटर को जब लिक्विड वाटर को जब हम डिसॉल्व करते हैं तो हाइड्रोजन पॉजिटिव एक्वस रिलीज होता है एंड कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे आपका ये जो पूरा प्रोसेस है फर्मेंटेशन का वो कंप्लीट